मूवी की शुरुआत में एक महिला को देखते हैं। वो एक बॉक्स से निकलने वाली आवाज़ से परेशान हो जाती है और उस बॉक्स को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके आँख अंदर की ओर धंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। बॉक्स के प्रभाव से उस महिला के मुँह से खून निकलते हैं और उसके हाथ पैर अकड़ने लगता है। उस महिला का सिर भारी वस्तु से टकराता है और वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। स्क्रीन शिफ्ट होता है। अब हम कोच क्लाइड को देखते हैं। वो सभी खिलाड़ियों को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग दे रहा होता है। क्लाइड घर आता है और हम उसकी बेटी को देखते हैं। इसका नाम हेना है। हेना फोन पर किसी से बात कर रही होती है। उसकी पत्नी स्टेफनी को देखते हैं। दोनों का तलाक हो चुका था। कोच अपनी दूसरी बेटी से मिलते हैं। एम एक पेंटिंग बना रही थी। तभी वहां पर ब्रेट आता है। स्टेफनी और ब्रेट एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। क्लाइड दोनों बेटी को लेकर अपने घर आ जाते हैं। रात में तीनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी एम कहती है, हम माम को नाश्ते पर बुला लेते हैं। हेना एम को समझाती है, मॉम और डैड का डाइवोर्स हो चुका है। मॉम और डैड साथ नहीं रह सकते हैं। एम अपसेट हो जाती है और वहां से चली जाती है। क्लाइड हेना को समझाते हैं, तुम्हारी ऐसी बातों से एम अपसेट हो गई है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हेना भी उठकर वहां से चली जाती है। वो तीनों एक गैराज के सेल में कुछ सामान खरीदते हैं। एम को एक बॉक्स पसंद आ जाता है और उसे खरीदने को बोलती हैं। वो एक भूतिया बॉक्स होता है। एक महिला वहां पर आती है। वो महिला बॉक्स को पहचान लेती है। एम उस महिला को देख रही होती है। एम उस महिला के घर के खिड़की को देखती है। वहां पर वही महिला होती है जो मूवी के स्टार्टिंग में देखे थे। महिला के शरीर में पट्टी बंधा होता है। महिला खिड़की से एम को देखती है। एम के हाथों में वो बॉक्स होता है जिसे देखकर महिला खिड़की को पीटने लगती है। दूसरी महिला आकर खिड़की को बंद कर देती है। एम डर जाती है और वहां से चली जाती है। स्क्रीन शिफ्ट होता है। अब एम और क्लाइड को देखते हैं। दोनों उस बॉक्स को खोलने का प्रयास करते हैं। एम कहती है, आपने कहा था आसानी से खुल जाएगा। क्लाइड कहता है, हर तरफ से पैक है, कहीं कोई जॉइंट नहीं दिख रहा है। इसे बनाने वाला ये नहीं चाहता था कि कोई इसे खोले, और कोशिश करे तो आसानी से खुले ना। क्लाइड के पास एक कॉल आता है और उसमें व्यस्त हो जाता है। उसका दोस्त उसे नॉर्थ कैरोलिना आने को कहते हैं और क्लाइड को अपने यहाँ बास्केटबॉल टीम का कोच बनाना चाहते थे। क्लाइड कहते हैं, कोच को पता है ये सारी बातें। उसके दोस्त कहते हैं, वो रिटायर हो रहा है, उन्होंने ही तो तुमसे बात करने को कहा था। वे चाहते हैं उनका कोई खास चेला उनकी जगह पर काम करे। क्लाइड उसे हाँ कहते हैं। रात में एम उस बॉक्स को खोलने का प्रयास करती है और बॉक्स खुल जाता है। उस बॉक्स में एक कीड़ा, एक अंगूठी, एक लकड़ी के घोड़े और एक टूटा हुआ दांत होता है। एम उस अंगूठी को पहन लेती है। तीनों स्टेफनी के घर आते हैं। क्लाइड ब्रेट को किचन में देखता है और स्टेफनी को पूछता है। इस पर स्टेफनी कहती है, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। क्लाइड अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। वे तीनों अब क्लाइड के घर आते हैं। एम क्लाइड को बताती है, हेना का डांस प्रोग्राम है नेक्स्ट वीक, आप देखने जाएंगे ना? क्लाइड कहता है, बिल्कुल। इस पर हेना कहती है, मॉम भी आने वाली है, आपको कोई एतराज तो नहीं है? क्लाइड कहता है, मजाक मत करो, मैं फर्स्ट फ्लोर में बैठूंगा। रात में एम उस बॉक्स के दर्पण में खोई रहती है। क्लाइड उनको आवाज लगाता है। एम उन्हें क्या बात है डैड कहती है। वे तीनों नाश्ता कर रहे होते हैं। एम नाश्ते को अजीब तरीके से खा रही होती है। ये देखकर क्लाइड उसे ठीक से खाने को बोलते हैं। एम गुस्सा हो जाती है और उसके हाथ में चम्मच गड़ा देती है। क्लाइड और हेना एम के कमरे से बाहर आ रहे कीड़े को देखते हैं और वो दोनों एम के कमरे के अंदर जाते हैं।
एम के कमरे में बहुत सारे कीड़े उड़ रहे होते हैं। क्लाइड एम को उठाकर कमरे से बाहर लाता है। वे तीनों स्टेफनी के घर आते हैं और कीड़े के बारे में बात करते हैं। वो दोनों ईमेल को खोलकर पुराने वीडियो को देखते हैं। क्लाइड स्टेफनी को एम में होने वाले बदलाव के बारे में पूछते हैं। स्टेफनी कहती है एम हमारी वजह से परेशान रहती है और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। क्लाइड अपने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। उसे टाइम का पता नहीं चल पाता है। आज उसे हेना के डांस प्रोग्राम को देखने जाना था। हेना के मोबाइल में क्लाइड का फ़ोन आता है। एम क्लाइड से बात करती है, कहती है वो आपसे नाराज है। वो अपने बॉक्स के बारे में पूछते हैं। क्लाइड को कहता है उसे कोई नहीं छुएगा। क्लाइड पूछते हैं उस बॉक्स में क्या है। एम कहती है आप उसे नहीं छुएंगे बस। क्लाइड अब उस बॉक्स में रखे सामान को देखते हैं। एम को उल्टी आ रही थी। वो अपने मुंह के अंदर टार्च से देखती हैं। उसे दो उंगली दिखाई देती हैं। वो बहुत डर जाती है। एम अब स्कूल में होती हैं। उसी क्लास का एक लड़का उसके बैग को खोलकर देखता है। एम को बैग नहीं दिखता है और वो उस लड़के से अपना बैग वापस करने को कहती है और उसे दो देती है। उसकी टीचर मिस सैंडी आती है और एम को वहां से ले जाती है। प्रिंसिपल क्लाइड और स्टेफनी से पेरेंट मीटिंग करते हैं। प्रिंसिपल कहती है एम अब स्टडी में ध्यान नहीं देती है। जो काम पहले शौक से करती थी उनमें भी अब इंटरेस्ट नहीं लेती है। स्टेफनी कहती है मुझे लगता है वो बदलाव से गुजर रही है। प्रिंसिपल उसे पूछती है आप लोगों ने घर बदला है क्या। क्लाइड कहता है हाँ मैंने बदला है। दरअसल दोनों बहनें स्टेफनी के घर के अलावा कहीं नहीं रही है। प्रिंसिपल पूछती है आपका नया घर कैसा है। क्लाइड कहता है बढ़िया है कम से कम हालात के हिसाब से। प्रिंसिपल कहती है हालात मतलब। क्लाइड कहता है हमारा तलाक हो चुका है। ऐसे हालात बच्चों के लिए मुश्किल ही होते हैं। मिस सैंडी कहती है वो अभी भी गुस्से में है। वो किसी को बॉक्स के आसपास नहीं आने देती। उसे कुछ वक्त के लिए बॉक्स से दूर रखना होगा। रात में मिस सैंडी को देखते हैं। वो बॉक्स को खोलने की कोशिश करती हैं। अपने पैर को देखते हैं खून की कुछ बूंदें टपक रही थी। वो अपना चश्मा निकालते हैं। खून उसके आँख से निकल रही होती है। सैंडी दरवाज़ा के पास जाती है। दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। बॉक्स उसे उठाकर कमरे के दीवारों पर मारती है और खिड़की को तोड़कर बाहर फेंक देती है। मिस सैंडी की मौत हो जाती है। अब क्लाइड और एम को देखते हैं। उस दिन स्कूल में छुट्टी होता है। एम उसे अपना बॉक्स लाने को बोलती है। क्लाइड उसे कुछ प्रश्नों के जवाब देने को बोलता है। कई बार ऐसा लगा तुम उस बॉक्स से बात करती हो। एम कहती है मैं उस बॉक्स से बात नहीं करती। मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ जो उस बॉक्स में रहती है। क्लाइड पूछते हैं तुम्हारा फ्रेंड उस बॉक्स में रहता है। एम कहती है हाँ बच्ची नहीं वो औरत है। क्लाइड कहता है अच्छा तो तुमसे क्या बात करती है। एम बताती है कहती है मैं स्पेशल हूँ। क्लाइड पूछता है क्या तुम उससे मिलवाओगी। एम कहती है नहीं मिलवा सकती उसे कोई नहीं देख सकता है मैं भी नहीं। क्लाइड उस बॉक्स को लेकर बहुत दूर एक कूड़ेदान में फेंक आता है। इधर एम रो रही होती है और वो बॉक्स के बारे में पूछती है। एम क्लाइड से कहती है आई हेट यू आपके साथ नहीं रहना। एम को वो औरत थप्पड़ मारती है और एम चिल्लाती है आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं डैड। ये सब हेना देख लेती है। एम उस बॉक्स को लाने के लिए घर से भाग जाती है और वो बॉक्स के पास पहुंच जाती है और उसे उठा लेती है। उस बॉक्स को खोलती है उसमें से वो औरत निकल कर एम से पूछती है क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो। एम कहती है हाँ क्या तुम मेरी बॉक्स वाली फ्रेंड हो। वो औरत कहती है हाँ मैं वही हूँ। वहाँ पर बहुत सारे बॉक्स वाले कीड़े उड़ रहे होते हैं और वो औरत और कीड़े उसके मुंह के अंदर चला जाता है और वो बेहोश हो जाती है। क्लाइड वहाँ पहुँच जाता है। स्टेफनी वहाँ आकर एम को वापस ले लेती है। अब दोनों को वकील के साथ देखते हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए जज ने ये ऑर्डर पास किया है कि वो स्टेफनी के साथ रहेगी। क्लाइड उसे समझाने का प्रयास करता है। स्टेफनी क्लाइड को कहती है मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी पर बच्चों पर आँच नहीं आने दूंगी चले जाओ फिर अपनी शक्ल मत दिखाना।
स्क्रीन शिफ्ट होता है, क्लाइड स्टेफनी के घर आता है और वहाँ पर रखे बॉक्स को ले जाता है। क्लाइड उस बॉक्स को एक प्रोफेसर को दिखाते हैं, वे उस बॉक्स में लिखे डिप्रो को पढ़ता है, इसका मतलब भटकी हुई आत्मा होता है। ये एक डिबुक बॉक्स है, इस डिबुक बॉक्स में शैतान को बंद किया जाता था और अब ऐसा तुम्हें करना है कोच, जिसने भी इसे बनाया वो समझदार था, इसलिए उसने ताले को छुपा दिया और लिख कर कहना ये चाहता था कि इसे ना खोलो तो मत खोलो इसे। क्लाइड उस बॉक्स को लेकर संत सेडॉक के पास आता है, वो दोनों फादर के पास जाते हैं, सेडॉक फादर को कुछ बताते हैं। फादर उससे पूछता है तुम्हारे बैग में क्या है, क्लाइड बॉक्स को निकाल कर दिखाते हैं, सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। फादर उससे पूछते हैं ये तुम्हें कहाँ से मिला, क्लाइड कहता है गैराज के सेल में मिला था। फादर उससे पूछता है क्या तुमने इसे खोला था, क्लाइड बताते हैं मेरी बेटी ने खोला था। क्लाइड कहता है वो मेरी बेटी से चाहती क्या है, फादर कहता है डेविल मासूमों की तलाश में रहते हैं, वो किसी को बॉक्स के पास नहीं आने देती है जब तक कि विशेष मेजबान नहीं मिल जाता, वो मेजबान को अंदर से खोखला कर देती है। क्लाइड पूछता है वो मेरी बेटी की जिंदगी छीन रही है, उसे कैसे रोका जाए। फादर कहता है उससे बचने के एक ही उपाय है, उसे बॉक्स में वापस डाला जाए उसका नाम लेकर। फादर कहते हैं इस काम में बहुत खतरा है, जो भी ये करेगा आत्मा खुद अंदर भी समा सकती है, इसको भगवान के भरोसे छोड़ना होगा। क्लाइड बॉक्स उठा के जाने लगता है, संत सेडॉक उसके पीछे आता है और वो साथ चलने की बात करता है। सेडॉक कहते हैं सेवट का बहुत खास नियम है, किसी की जान को खतरा हो तो हर कीमत पर बचाना मेरा फर्ज है। रात में स्टेफनी एमिली को देखती है, वो रो रही थी और फ्रिज से सामान निकालकर खा रही थी। स्टेफनी उसके पास जाने की कोशिश करती है और वो टेबल पर रखे कांच के गिलास को गिराती है, स्टेफनी के पैर में कुछ टुकड़े घुस जाते हैं, एमिली गायब हो जाती है और वो पीछे से स्टेफनी के ऊपर कूद जाती है। स्क्रीन शिफ्ट होता है, ब्रेट उसे साइकोलॉजिस्ट को दिखाने को कहते हैं, वो उसे एक बार अच्छी तरह से जांच करना चाहती है। स्क्रीन शिफ्ट होता है, एम झूले पर झूल रही थी, ब्रेट कार साफ कर रहे थे, एम झूले से उतर जाती है और ब्रेट को घूरने लगती है। ब्रेट उसके पास जाता है, ब्रेट के मुंह से खून निकलता है और वह कार के अंदर चले जाते हैं। ब्रेट वहां से चला जाता है, एम नीचे गिर जाती है। हेना स्टेफनी उसके पास आती है, हेना उसके मुंह से कीड़े निकलते हुए देख लेती है। हेना क्लाइड को कॉल करती है और उसे जल्दी आने को कहती है। एम हॉस्पिटल में होती है, डॉक्टर उसे एक मशीन के अंदर ले जाते हैं, इस मशीन से शरीर के अंदर की तस्वीर को देख सकते हैं। वे सभी बाहर आ जाते हैं, एम मशीन के अंदर होती हैं, सभी लोगों को उसके पेट के अंदर किसी मानव की तस्वीर देखते हैं, वे सभी डर जाते हैं। तभी क्लाइड वहां पर आते हैं, हेना क्लाइड से गले लगती है और उससे माफ़ी मांगती है। सेडॉक वहां पर आता है और एम के सर पे हाथ रखता है, एम को उल्टी आती है और सेडॉक उसे दूसरी जगह ले जाने को कहते हैं। वे लोग एम को नीचे फ्लोर में ले जाते हैं, सेडॉक साथ मोमबत्ती जलाने को कहते हैं, सभी लोगों को अपनी मनपसंद चीज़ बॉक्स में रखने को कहते हैं। क्लाइड और स्टेफनी एम के हाथ पैर पकड़े रहते हैं, सेडॉक और क्लाइड अपनी अपनी मंत्र पढ़ते हैं, पानी में एक भंवर उड़ता है, एम सेडॉक के गले को पकड़ लेती है, एम उन सब को चले जाने को कहती है और वो भाग कर मुर्दा घर में चले जाते हैं। वहाँ पर अंधेरा होता है, क्लाइड अपना टॉर्च निकालकर वहाँ पर रखे बॉडी को देखते हैं, एम एक कोने में खड़ी रहती है और वो रो रही थी। क्लाइड के हाथ में खून की कुछ बूंदें टपक रही थी, वो ऊपर की ओर देखता है, एमली उसे नीचे गिराकर उसे मार रही थी, वो तीनों उसे ढूंढते हुए आते हैं। अब क्लाइड और एम को देखते हैं, एम और क्लाइड बैठे हुए थे, सेडॉक वहाँ आकर आत्मा को बाहर निकलने को बोलते हैं, वो आत्मा क्लाइड के शरीर में प्रवेश कर जाती है, सेडॉक मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं, वो उसे शरीर को छोड़ने को कहते हैं। क्लाइड के शरीर से वो आत्मा निकलकर उस बॉक्स में घुस जाती है, क्लाइड अब ठीक होता है, सेडॉक उस बॉक्स को लेकर चले जाते हैं।
अब हम हेना और एम को देखते हैं, वो दोनों सोई रहती हैं। किचन में क्लाइड को देखते हैं, वहाँ पर स्टेफनी आती है और क्लाइड को गले लगा लेती है। सेडॉक को देखते हैं, वो क्लाइड को उनका कार लौटाने की बात करते हैं। वो बॉक्स को लेकर जा रहे थे तभी उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। अब उस बॉक्स को देखते हैं, बॉक्स से उस आत्मा की आवाज़ आ रही थी और मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।